हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी का पल है। हमारे परिवार साथ साथ पूरे बिहार वासी का खुशी का पल है। जो एक बदनुमा एनएसए लगा था, पे बदनुमा एक एनएसए लगा था, वो आज हट गया। जो पूरे बिहार वासी वेट कर रहे थे कि कब एनएसए हटेगा, एनएसए कब हटेगा, तो आज फाइनली मद्रास हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है। खारिज यानी बिल्कुल उसको हटा दिया गया है। 8 महीने का परिश्रम पूरे बिहारवासी का, जो सड़कों पे, सोशल मीडिया पे सबने मेहनत किया, सबने मेरे पीछे हो, आगे हो, फ्रंट पे हो, हर जगह से मुझे सपोर्ट किया, चाहे मेरे परिवार वालों सपोर्ट किया, हमारे पूरे संस्थक जो न्यूज है सारे लोगों को सपोर्ट किया। आपका जिंदगी भर आभारी रहेगा ये मनीष कश्यप का परिवार। पहले भी आप लोग के लिए ही मेरा भाई जीता जीता था, और आने वाले टाइम में भी आप ही के लिए जिएगा। मैंने अपनी माँ से पूछा था कि भाई जी आएंगे तो अब नए तरीके से हम लोग शुरुआत करेंगे, नई तरह से जिंदगी जिएंगे लोग, ये सब में नहीं पड़ेंगे। मेरी माँ ने बोला था कि मैं अपने बेटे को अब बिहार के लिए समर्पित कर दिया हूँ, कर दियो, अब मैं नहीं रुकूंगी। बहुत मेरा बेटा कष्ट सह लिया, क्या क्या कष्ट का सामना करना पड़ा, काला पानी का 8 महीने से वो जेल में बंद है, काला पानी का सजा मिला। 4 महीने तक मदुरई में रहा, जो उतने धूप में एक ऐसे सेल में बंद था जो काला पानी से भी बड़ी सजा थी। लेकिन आप लोग के बिना कुछ होता नहीं। जिस तरह बिहार बिहार के लोग, पूरे भारत के लोग हमारा साथ दिए, मनीष कश्यप टीम को साथ दिए, मनीष के परिवार के साथ दिए, मैं उसकी व्याख्या नहीं कर सकता हूँ। सच में आज भावुक वाली पल है। कहाँ कहाँ ना दर बदर हम लोग ठोकर खाए लोग, हर किसी के दरवाजे पे गए लोग, सुबह सुबह हर किसी को दरवाजे को नॉक करना, खटखटाना, और वहाँ से संतावना भी मिलती थी, कभी सहानुभूति भी मिलती थी। लेकिन हाँ, आज परिश्रम थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ, आज सार्थक हुआ। बहुत बड़ी चीज थी, जो लड़का बिहार के लिए समर्पित था, बिहार के लिए समर्पित था, उस पे कैसे बदनुमा एनएसए लगा दिया गया। सिर्फ बिहार के लिए तो बात करता था, कौन से अपने परिवार के लिए बात किया, कौन सा बोला कि हाँ मेरे पापा को आप ठेकेदारी दे दो, मेरी माँ को ये कर दे, इस पोजीशन बुला दो, मेरे भाई को इस पोजीशन बुला दो, नहीं, कभी नहीं। आज भी हमारा खपड़े का मकान है, हम लोग वहीं पे रहते हैं। आज भी 5 दूर में हमारा बेतिया में घर है, वहीं पे रहते हैं लोग। क्या कर लिए, कुछ नहीं किया। लेकिन हाँ, बिहार में जिसको भी देखता था तकलीफ हो रही है तो उसके लिए आगे बढ़ता था, उसकी आवाज बनता था, जिस भाई को तकलीफ होती थी उसका ढाल बनता था, जिस माँ को तकलीफ होती थी उसका आंखों का आंसू पूछता था, यही तो करता था। लेकिन सच में आज आप सभी को मैं 10 उंगली जोड़ के बोल रहा हूं, बहुत बहुत धन्यवाद आपने जिस तरह साथ दिया।